नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। उपराष्ट्रपति का तेज आर्थिक विकास के लिए नीतियों में पारदर्शिता और मुकदमों के जल्द निपटारे पर जोर। इलाहाबाद में हाईकोर्ट की एनेक्सी बिल्डिंग का किया उद्घाटन। कहा, लोक और ग्राम अदालतों से लंबित मामलों की संख्या होगी कम। ओडिशा में भारी बारिश से गजपति जिले में भूस्खलन, 12 लोगों की मौत और 4 लापता। तितली चक्रवात से राज्य में 60 लाख से अधिक लोग पीड़ित। मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण। आंध्र ने मांगी 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि। जयपुर में जीका वायरस से पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 51। शहर के शास्त्री नगर के अलावा अन्य जगहों के लिए नमूनों में भी मिला वायरस। निगरानी टीमों की संख्या 50 से बढ़ाकर की गई 170। जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव के तीसरे चरण में 96 वार्ड के लिए मतदान पूरा। बारामूला में 75% और सांबा जिले में 81% से ज्यादा मतदान। 49 वार्डों में पहले ही हो चुका है निर्विरोध निर्वाचन। और हैदराबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 4 विकेट पर बनाए 308 रन। अजिंक्य रहाणे 75 रन और ऋषभ पंत 85 रन बनाकर नाबाद। पृथ्वी शॉ ने खेली 70 रन की ताबड़तोड़ पारी। 311 रनों पर सिमटी वेस्टइंडीज की पहली पारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्यायिक व्यवस्था में लंबित मामलों की बढ़ती फहरिस्त पर चिंता जताई है और इनके जल्द से जल्द निपटारे पर जोर दिया। इलाहाबाद में हाईकोर्ट की एनेक्सी बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ई कोर्ट और मध्यस्थता प्रणाली को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को इलाहाबाद में हाईकोर्ट की एनेक्सी बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की अलग अलग अदालतों में टैक्स से जुड़े तकरीबन 95,000 मुकदमे 3 साल से भी ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं और इन मामलों में 3 लाख करोड़ रुपए की कर राशि भी अटकी हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए नीतियों में पारदर्शिता और मुकदमों का जल्दी निपटान जरूरी है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया। We need to ensure that there is a transparent, predictable policy regime and a sound judicial and regulatory system in place. The robust regulatory architecture gives confidence to investors. At the same time, I want to caution, regulation is very much required. Regulation should not become a strangulation. Time-bound approval of applications and disposal of appeals is absolutely essential. You also have set up a separate center for information technology to digitize records. उपराष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लोक अदालतों, ग्राम न्यायालयों, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ई कोर्ट और मध्यस्थता प्रणाली को बढ़ावा दिए जाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना भी की। ग्रामीण न्यायालयों की जरूरत पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे किसानों को सहूलियत होगी और कम खर्च में न्याय मिल सकेगा। उन्होंने निचली अदालतों में मातृभाषा में कामकाज पर जोर दिया। The court has encouraged the mediation process and pre-litigation lok adalats. Results have been encouraging. I am told lok adalats in 2016-17 alone could settle around 11 lakh cases involving around ₹400 crores. Similarly, 7,500 cases were settled through mediation. Similarly, I will suggest that your high court should make use of gram nyayalaya scheme. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है, लेकिन विधायिका और न्यायपालिका का एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का सम्मान जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज तेजी से बदल रहा है,
साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां आ रही हैं। साथ ही अदालतों के सामने महिलाओं और पिछड़े तबकों के लोगों को संवैधानिक अधिकार और न्याय दिलाने की चुनौती है। उपराष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में खाली पड़े पदों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार इन पदों को भरने के लिए लगातार प्रयासरत है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इलाहाबाद में आज IIIT के 20 साल पूरे होने के मौके पर बियॉन्ड 2020 अभियान का उद्घाटन किया, साथ ही संस्थान की सेंट्रल कंप्यूटिंग यूनिट का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि बीते कुछ सालों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में काफी विकास हुआ है और ये क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7.7% का योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस समेत कई अन्य क्षेत्रों में इसका बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी अध्ययन के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ ही ज्ञान के नए आयाम खोजने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र और शिक्षक वैश्विक अनुसंधानों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई सोच विकसित करने की दिशा में काम करें, साथ ही देश और समाज की जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाए ताकि सस्ती, सुगम और सक्षम तकनीक का फायदा मिल सके। You go to United States, Silicon Valley. Whoever comes across you, every second boy or girl will be from India. Because IT sector, India is leading now. All our youngsters who have taken that as their profession or course, they are all excelling. And even the world famous IT companies, you have Indian Satya Nadella as the chairman. That speaks of the intelligence of Indian people. My dear youngsters, this land, not only Prayagraj or Uttar Pradesh, the entire Bharat, this land, this water, this air, this atmosphere has something special in it. Only thing is you have to identify the capacity and caliber of the person and also the skill of the person. And only you have to upgrade. If you upgrade, then they will excel. विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में करारा झटका लगा है। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामदयाल उइके ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। रामदयाल उइके दोबारा से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रामदयाल उइके ने बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में आज पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी ज्वाइन करने पर रामदयाल उइके ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में आपसी मतभेद ने उन्हें निराश कर दिया और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि उइके की बीजेपी में वापसी से पार्टी को राज्य में मजबूती मिलेगी। चार बार के विधायक रामदयाल उइके वर्तमान में छत्तीसगढ़ की पाली तानाखार सीट से विधायक हैं। उन्होंने 2003 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश किया था। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज होता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज जगदलपुर और रायपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बूथ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में खूब मेहनत की है। उन्होंने कहा कि आज 1800 से ज्यादा विधायक बीजेपी के हैं। पार्टी 19 राज्यों में सरकार चला रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि कुछ लोग इसे बीजेपी का शिखर मान रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए अभी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल जीतना है। उन्होंने चौथी बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए लोगों का समर्थन मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य बनाकर रखा, लेकिन बीजेपी शासन के दौरान राज्य विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी भूखा आदमी नहीं जिसके पेट में चावल न पहुंचता हो। सिर्फ एक रुपये में चावल, चना, नमक देने का काम ये चावल वाले बाबा ने छत्तीसगढ़ की गरीब जनता में किया। एक भी गांव ऐसा नहीं है
जिसके अंदर लाइट नहीं है, एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसको रोड से जोड़ा नहीं गया, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां स्कूल नहीं है, एक भी मंडल ऐसा नहीं है जहां पब्लिक हेल्थ सेंटर नहीं बना है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद शनिवार को बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बिलासपुर में चुनाव अभियान की शुरुआत की। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अब गठबंधन के लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए, ताकि ये गठबंधन अपने बलबूते बहुमत की सरकार बना सके। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूरों और व्यापारियों का विकास होगा। साथ ही जनता कांग्रेस और बीएसपी गठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास होगा तो नक्सलवादी गतिविधियां कम होंगी। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि आदिवासी और दलित विरोधी सरकार होने की वजह से नक्सली गतिविधियां यहां पर बढ़ी हैं। रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। बीएसपी ने नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनता से कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के साथ गठबंधन किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में 12 और 20 नवंबर को होगा। सरकार बनने पर ही तभी फिर या सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम, ईसाई व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का भी सही विकास व उत्थान हो सकता है। और तभी फिर यहाँ वास्तव में नक्सलवादी गतिविधियां भी काफी हद तक खत्म हो सकती हैं। और जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव के तीसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज वोटिंग हुई और इस चरण में 207 में से 96 वार्डों के लिए वोट डाले गए और इस दौर में 49 वार्डों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। जम्मू संभाग में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सांबा जिले में 81.4% वोट पड़े, वहीं बारामूला में 75.3% मतदान हुआ। कश्मीर घाटी में वोटिंग कम हुई, अनंतनाग में 3.2% और श्रीनगर में 1.8% वोट पड़े। इस चरण में 365 उम्मीदवार मैदान में हैं। 10 अक्टूबर को दूसरे चरण के लिए और 8 अक्टूबर को पहले चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं। दोनों चरणों में 47% से ज़्यादा वोट डाले गए। चौथे और आखिरी चरण में 132 वार्ड के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 20 अक्टूबर को होगी। कश्मीर में 13 साल बाद शहरी निकाय चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बबगुंड इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आज सुबह एक हिजबुल आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। शुक्रवार देर रात सुरक्षा बलों को आतंकियों के यहाँ पे छुपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया। से पहले कल रात उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी जावेद अहमद के वारपुरा स्थित घर में उन पर गोलियां चलाईं। अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मराठी संगीत नाटकों से लेकर आधुनिक रंगकर्म तक नाचत ना गगनात नाथा, नाचत ना गगनात नाथा। हेरा बागमती हो, तरस बागमती हो, मोती बागमती हो, हेरा बागमती, तरस बागमती। पूर्वाश्रमी जी तुमची जी मातुल कन्या तीच मी असं समजा। या अडगळ घरात आपले बाळ बिछाने येऊन पडले तेव्हाच सगळं स्पष्ट झालंय।
देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम मराठी थिएटर एक सतत यात्रा। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक। 26 मार्च 1907 फरुखाबाद में जन्म हिंदी भाषा की प्रख्यात कवित्री। प्रभाव ऐसा कि कवि निराला उन्हें कहते हिंदी की सरस्वती। बहुमुखी प्रतिभा की धनी महादेवी साहित्य के अलावा संगीत और चित्रकारी में भी थी निपुण। महात्मा गांधी के प्रभाव में समाज सेवा और स्वतंत्रता संग्राम में लिया हिस्सा। भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में शामिल। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महादेवी वर्मा। 1956 में पद्म भूषण और 1988 में पद्म विभूषण से हुई सम्मानित। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जीका वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। इनमें से 11 गर्भवती महिलाएं हैं। मरीजों में 3 छात्र भी शामिल हैं जो कि सिंधी कैंप के बगल में राजपूत हॉस्टल से हैं। सिंधी कैंप से लिए गए मच्छरों के कुछ नमूनों में जीका वायरस मिला है। पहले जो मरीज पॉजिटिव पाए गए वो शास्त्री नगर इलाके के थे। शहर के अलग अलग इलाकों में भी नमूने जमा करने का काम आज भी जारी रहा। शहर में पहला मामला 22 सितंबर को सामने आया था। वायरस का फैलाव रोकने के लिए शहर में कई इलाकों में फॉगिंग और दूसरे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और इस बीच राहत की बात यह है कि 30 मरीजों पर इलाज का असर हो रहा है। स्थिति पर नजर रखने के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जयपुर में निगरानी टीमों की संख्या 50 से बढ़ाकर 170 कर दी गई है। और चक्रवाती तूफान तितली के कारण ओडिशा के गजपति जिले में भूस्खलन से 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लापता हैं। तितली तूफान के ओडिशा से गुजरने के बाद कई जिलों में भारी बारिश अब भी जारी है। गजपति जिले में एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के साथ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम कर रही हैं। और इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गंजाम गजपति और रायगढ़ जिले का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि राहत बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रभावित जिलों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा। राज्य में बनाए गए 963 राहत शिविरों में 1,27,262 लोग रह रहे हैं। भारी बारिश के कारण गंजाम गजपति रायगढ़ पुरी कंधमाल और केंद्रपाड़ा में बाढ़ आ गई है। तितली तूफान से राज्य के 60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए दक्षिणी और मध्य डिवीजन कर्मचारियों की दशहरा की छुट्टी रद्द कर दी है। क्लोन एंड सब्सिक्वेंट हैवी रेनफॉल देयर वाज हैवी फ्लड्स इन द ऋषिकुल्यान रिवर ऑफ इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट। 10 नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु वर डिप्लॉयड टू गजपति दे विल बी joining by the evening today and they will also be kept in charge of various relief work. We have sent 200 metric ton of cattle feed to Ganjam and 100 metric ton to Gajapati. और इस बीच तितली तूफान से प्रभावित आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 1,200 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता राशि की मांग की है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सहायता मांगी है। तितली तूफान से आंध्र प्रदेश के श्रीकुलम और विजयनगर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। एन चंद्रबाबू नायडू ने इन जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री के मुताबिक तितली तूफान से 2,800 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। वहीं तितली पूर्वोत्तर की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने तूफान के असर से अगले 24 घंटे में असम मेघालय नागालैंड और मणिपुर में कई जगहों पर तेज बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के कारण मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। और असम के गुवाहाटी में आज एक विस्फोट में महिला समेत 4 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। ये विस्फोट पान बाजार इलाके में
सुकलेश्वर घाट के पास हुआ। असम के डीजीपी कुलधर सैकिया ने यह बताया कि विस्फोटक उपकरण के जरिए यह ब्लास्ट किया गया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद पता चलेगा कि इसमें किसी उग्रवादी संगठन का हाथ है या नहीं। इस वारदात के बाद असम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। This blast, the explosion, whatever, we are yet to decide and conclude who has done it, right? If anybody claims it, we'll look into it. But as of now, we are busy in collecting whatever remnants here, whatever debris here, and the FSL people, how they are looking at it. भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिसकी नौसेना के पास डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी कि DSRV है। इस व्हीकल को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसके जरिए दूर समुद्र में संकट में फंसी सबमरीन को बचाया जा सकता है। नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन DK शर्मा ने बताया कि अब भारत के पास संकट में फंसी सबमरीन का पता लगाने और उसे बचाने की क्षमता है। अभी तक ये क्षमता अमेरिका, चीन, रूस और कुछ अन्य देशों के ही पास थी। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल का उपयोग समुद्र में तार बिछाने में भी होता है। उन्होंने बताया कि दूसरा DSRV अगले साल नौसेना में शामिल किया जाएगा। भारत को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। शुक्रवार को ही वोटिंग में सभी उम्मीदवार देशों के बीच भारत को सबसे ज्यादा वोट मिले। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के पक्ष में 188 वोट डाले गए। भारत अगले 3 साल तक UN की शीर्ष मानवाधिकार संस्था का सदस्य बना रहेगा और ये कार्यकाल अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगा। परिषद के सदस्य गुप्त मतदान के जरिए पूर्ण बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं और भारत के अलावा 17 और देश परिषद के सदस्य चुने गए हैं। सदस्य चुने जाने के लिए उम्मीदवार देश को कम से कम 97 वोटों की जरूरत होती है। मानवाधिकार परिषद में एशिया प्रशांत क्षेत्र से कुल 5 सीटें हैं और इनके लिए भारत के अलावा फिजी, बांग्लादेश, बहरीन और फिलीपींस ने भी नामांकन भरा था। इंडिया 188, फिजी 187, बांग्लादेश 178, बहरीन 165, फिलीपींस 165। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग के नतीजे वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति को मजबूती से दर्शाते हैं। भारत पहले भी 2 बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य रह चुका है। इससे पहले भारत 2011 से 2014 और 2014 से 2017 की अवधि के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए चुना जा चुका है। भारत का पिछला कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 को खत्म हुआ था। India's victory today at the United Nations General Assembly during the elections to the Human Rights Council is a reflection of the high standing that our country enjoys globally. We are grateful to the many, many friends that we have across the globe who came out and voted in such large numbers to ensure that India got the highest number of votes among all the 18 candidates. We'd like to assure them that India will continue its balanced and moderate approach towards the promotion and protection of human rights globally. नेपाल की माउंट गुर्जा चोटी पर हिमस्खलन की वजह से 9 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। मरने वालों में दक्षिण कोरिया के 5 पर्वतारोही शामिल थे और 4 नेपाली गाइड थे। 3,500 मीटर की ऊंचाई पर यह हादसा हुआ। शवों को लाने के लिए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मौके पर रवाना किया गया। पर्वतारोही का दल 7 अक्टूबर को गुर्जा गांव से रवाना हुआ था। कुछ दिनों के खराब मौसम के बाद दल ने 3,500 मीटर की ऊंचाई पर रुकने की योजना बनाई थी। गुर्जा पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्हें करीब 3,700 मीटर चढ़ाई और करनी थी। आंधी और खराब मौसम के कारण पर्वतारोहियों ने वहां कैंप लगाए हुए थे जो हिमस्खलन के चलते तबाह हो गए। पश्चिम नेपाल स्थित माउंट गुर्जा पर्वत की ऊंचाई लगभग 7,193 मीटर है। और अब खेल की खबरें। हैदराबाद में जारी दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 308 रन बनाए। ऋषभ पंत 85 और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे 75 रन पर नाबाद हैं।
अपने पहले टेस्ट में ही शानदार शतक लगाने वाले पृथ्वी शॉ ने ताबड़तोड़ 53 गेंदों में 70 रनों की शानदार पारी खेली। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 311 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज की ओर से रॉस्टन चेज ने 106 रनों की शतकीय पारी खेलकर टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाने में अहम रोल निभाया। वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने 52 रन बनाए। भारत की ओर से उमेश यादव ने सबसे ज्यादा विकेट लिया। उमेश यादव ने 88 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। उमेश यादव के अलावा कुलदीप यादव ने 3 और अश्विन ने 1 विकेट हासिल किया। पहली पारी के आधार पर भारत वेस्टइंडीज से सिर्फ 3 रन पीछे है। I mean, well placed. At one time, the match was sort of hanging in the balance, 160 for 4, but got a good partnership going. So from that perspective, 2 set batsmen at the crease, so it's a good position to be in. नवरात्र के मौके पर दृष्टिबाधित बच्चियों का खूबसूरत गरबा नृत्य काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इस गुजराती गीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, जिसके बोल हैं घूमे एनो गरबो। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। जाने माने लेखक, निर्देशक और गीतकार गुलजार ने राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम गुफ्तगू को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये जानकर बहुत खुशी है कि राज्यसभा टीवी इस प्रोग्राम के 300 एपिसोड पूरे कर रहा है। देश में सिनेमा, रंगमंच, साहित्य और जीवन के कोमल पक्षों में सक्रिय महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ इंटरव्यू आधारित श्रृंखला गुफ्तगू का आरंभ 7 साल पहले राज्यसभा टेलीविजन के जन्म के साथ ही हुआ, और तभी गुलजार के साथ प्रसारित हुई एक खास गुफ्तगू ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसे गुलजार खुद आज अपने सबसे अच्छे इंटरव्यूज में गिनते हैं। वैसे मैं सच कहूँ तो मेरे बहुत अच्छे चंद इंटरव्यू अगर मैं चुनूं तो इरफान साहब के साथ किया हुआ गुफ्तगू का ये उन चंद इंटरव्यूज में से है जो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उसमें कोई लिखे हुए और कोई आम और कोई क्लीशे सवाल नहीं थे, वो बात कर रहे थे। और मेरा ख्याल है इसका सेहरा, इसकी मुबारकबाद, ये 300 एपिसोड जो आपके हो गए हैं उसके लिए इरफान को बहुत बड़ी मुबारक देनी चाहिए, बहुत बड़ी मुबारकबाद उन्हें देनी चाहिए, ये उनकी वजह से मुमकिन हो पाया। मेरी बहुत बहुत मुबारक आपके प्रोग्राम को भी और इरफान साहब। एक खास मुलाकात में गुलजार ने इस बात पर भी खुशी जताई कि इस 300वें पड़ाव पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह इस कार्यक्रम को सुशोभित करेंगे। गुलजार ने अपने कविता संग्रह से वो कविता भी सुनाई जो उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को समर्पित की है। एक अदाकार हूँ मैं अदाकार हूँ ना, जीनी पड़ती हैं कई जिंदगियां, एक हयाती में मुझे। नसीरुद्दीन शाह के साथ ये खास गुफ्तगू आप देख सकते हैं राज्यसभा टेलीविजन पर इसी रविवार रात 10:30 और यूट्यूब पर भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।